हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा माफुशी आइलैंड को एक्सप्लोर करने और साथ ही साथ देखने यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये है सिम्फनी लगून रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आपको बुफे ऑप्शंस मिल जाएंगे फॉर डिनर और लंच। यहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं यूजली लंच और डिनर आवर्स में। तो आप देख सकते हैं आपको आपको वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे इनकी सर्विस ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट रहता है बुफे का यूजली $10 से $12, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। एंड अगर आपके रेस्टोरेंट में या होटल जिसमें आप रुके हुए हैं वहाँ पे अगर डिनर और लंच का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी वैरायटी और ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हमें तो डिनर नहीं करना था, तो हम लोग तो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग का मेन मोटिव है अभी हम लोगों को स्कूबा डाइविंग की अपनी बुकिंग करनी है, प्लस साथ में हम लोगों को सैंड बैंक का बुकिंग करना है। तो दो ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे अवेलेबल क्या मिलता है एंड देन वील बुक अ बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों को ये पैरट्स मिले हुए थे, काफ़ी कलरफुल पैरट्स थे, इनको बांधा हुआ है। तो या ये भी मालदीव्स में आपको पब्लिक आइलैंड में यूजली काफ़ी सारी जगह पे ये आपको इस तरीके से ये पैरट्स मिल जाते हैं। तो अब हम चल रहे हैं पब्लिक बीच फेरी पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये फेरी पॉइंट है, यहाँ पे यूजली सारी फेरीज रुकती हैं, पब्लिक फेरीज या फिर प्राइवेट बोट्स। इसी जगह से आपको बोर्ड करनी होती हैं। इसी जगह पे हम लोग लास्ट डे हमने दिखाया था, हम यहाँ पे आए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आइकुअम टूअर्स। तो अगर आपको माफुशी से माले जाना है या फिर एयरपोर्ट जाना है तो यू कैन बुक योर प्राइवेट बोट ऑल्सो फ्रॉम हियर, तो जिससे आप जा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड $20 to $25 होती है पर पर्सन। तो अब चलते हैं यहाँ पे अंदर और देखते हैं यहाँ पे स्कूबा और सैंड बैंक के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको काफ़ी डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट गो विद एवरी सिंगल एक्टिविटीज़। सो वी डिसाइडेड स्कूबा एंड सैंड बैंक, बिकॉज ब्लू वाटर ऑफ मालदीव्स इनेबल अस टू सी अंडर वाटर लाइफ वेरी क्लियर एंड दैट गिव्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें एक पैकेज रिकमेंड किया था, बट उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, बट जो हम देखना चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल रहे थे। तो आईकॉम पे तो हमें स्कूबा के लिए स्लॉट नहीं मिला, तो हम लोगों ने काफ़ी और पता करने के बाद इको डाइव करके एक शॉप है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डाइव सेंटर, तो वहाँ पे पता करते हैं कि हमें अवेलेबिलिटी मिलती है कि नहीं। Is there anything on the sand bank or it's just a two-side water and just the sand bank? Nothing. Nothing else. Okay. Just clean water over there. Okay. So what is the charges for that? $50 pick and drop. Per person? Yeah, no, 2%. 2%, $50 pick and drop. Pick and drop. So okay. If you want a drone video also, we can do the photo shoot, but it's going to extra charge $20. I have drone. So it's easy, so you guys can fly there. Yeah. So the thing is, if you want, you can go on 4 o'clock and do the sunset over there, but the last time is 6 o'clock you have to come. No. The thing is morning. Like, we'll be doing a morning slot. We need to come back by 1:15 or 1:30, so we are planning, if we go morning 9, and just tell me the temperature and all those things. If morning 9 will be like very... Not very hot, but before 11, it's going to be
Okay. But before, after 11, it's going to get very hard. Yeah. So we'll be planning something like 8:30 or 9, yes, and get back by 12 p.m. Okay. That can be possible. Yeah. How much time it will take to reach that? First speed, that's 10 to 7 minutes on the jet ski. Okay. Just 10 to 7 minutes. 10 minutes. It's yeah, very near from here. Yeah, it's just the other side of the island. It's far. So if we, like, suppose that I'm saying I want you after 3 hours, but in 1 hour, like, it's okay. How will you contact you to come? If you have network on your phone, so we can. If not, you have to traverse the time, so we'll go on to that time. Okay. That got will it be problem, na? Okay. No issue. Khana leke chalenge na? हाँ भाई हाँ खा पी लेंगे ना विच बैंक यू विल बी टेकिंग अस बिकॉज वी वांट टू सी लाइक फोटोज एंड ऑल समथिंग हाँ लाइक बैंक शुड बी लाइक दिस इज आवर टुडे इवेंट सो देयर विल बी नो वन देयर या सो बिग एंड वी आर स्मॉल कंट्री नेक्स्ट We get influenced, right? So, see you tomorrow at 1:50. Huh? 1:50. So, okay. सो फाइनली हमारी बोथ बुकिंग्स आर डन सैंड बैंक और स्कूबा डाइविंग की तो हमने काफ़ी सारी जगह पे रेट को क्रॉस वेरीफाई किया था एंड वी फाइंड आउट कि सबसे कन्वीनियंट और सबसे सस्ता हमें इको डाइव पे ही ऑप्शन मिल रहा था सो वी चूजन दैट एंड बेस्ट पार्ट इज़ हमें दोनों ऑप्शन एक ही जगह पे मिल गए और सेम डे में मिल गए यूजली सैंड बैंक पे हम लोगों को इवनिंग में ले जाते हैं बट एज वी रिक्वेस्टेड देम तो उन्होंने हमारा सैंड बैंक का मॉर्निंग का स्केड्यूल कर दिया है एंड फॉर स्कूबा डाइविंग द स्केड्यूल्ड आफ्टरनून 1:30 p.m. तो हम लोग एक ही दिन में दोनों चीज़ें कर सकते हैं एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी गॉट इज इफ़ यू आर ट्रेवलिंग देन प्लीज़ डोंट बुक योर स्कूबा फॉर द सेम डे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फ़्लाइट रात को है 8 बजे तो आप उस दिन पे स्कूबा डाइविंग ना कीजिए बेटर आप उससे एक दिन पहले कीजिए दैट दिस अरे कहना क्या चाहते हो इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन बाई द डाइवर आई डोंट नो वॉट इज एग्जैक्टली द रीज़न फॉर दैट बट माइट बी द प्रेशर माइट बी द इशू बिकॉज आप जब स्कूबा डाइव करते हैं तो ब्लड में नाइट्रोजन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है जिस वजह से अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जब फ्लाई करते हैं ना तो डिकम्प्रेशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और जो कि काफ़ी हानिकारक या जानलेवा भी हो सकती है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है तो इस तरीके से आप देख सकते हो माफुशी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन आपके लिए बेटर है तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कानी एक काफ़ी फेमस फ्रेंचाइजी है तो इनके भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवेलेबल रहती है अगर आप कानी रिसॉर्ट्स वगैरह में रह रहे होते हैं तो आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी इनसे जाके बात कर सकते हैं और अपने लिए वाटर एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं हमने काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल थे यहाँ पे बट कुछ वही चूज़ किए जो कि हमें इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं थे बिकॉज काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं सो वी हैव डिसाइडेड कि हमें क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में